हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल संगीतास लाइव। मैं हूँ संगीता। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मेरा आलू दम रेसिपी। आज मैं आलू दम बनाने वाली हूँ। तो मेरे घर में ना आज चार लोग हैं, वो हस्बैंड वाइफ और उनका दो बच्चे, तो चार गेस्ट आने वाले हैं। तो डिनर के लिए मैंने आज बुलाया है, तो उन लोग आने वाले हैं। तो मैं सोची आज क्या बनाऊंगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊं। तो मैं सोची ना दम आलू, उन लोग है मारवाड़ी, है मारवाड़ी फैमिली है, तो उन लोग चावल उतना ज्यादा तो प्रेफर नहीं करते हैं, तो इस वजह से तो मैं आज बनाऊंगी दाल पूड़ी, कचौड़ी टाइप का दाल भर के पूड़ी और आलू दम और टमाटर का चटनी, मीठा वाला चटनी बनाऊंगी। और मेरा ना मन है सेवई बनाने का, बट सेवई मेरे घर में है ही नहीं। मेरे हस्बैंड ऑफिस से आएंगे, वो अगर लेते आएंगे तभी बनेगा, नहीं तो फिर देखूंगी। अगर मेरे घर में सूजी है ना तो रवा का हलवा भी बना सकती हूँ, अभी पता नहीं क्या करूंगी। तो मैं सोच रही हूँ ना, अभी तो 4:30 बज रहा है, रात में हम बुलाए हैं उन लोगों को, लेकिन मैं सोच रही हूँ ना अभी से थोड़ा सा काम मतलब पहले से कर लूंगी ना, तो मैं तो अकेली हूँ ना, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे आलू दम बनाएंगे तो आलू का जो मतलब आलू आलू छील के और उसको बॉईल करके मैं रख लेती हूँ, मसाले वगैरह बना के सब रख लूंगी, आलू दम बना भी लूंगी तो चलेगा, तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं है इसे, क्योंकि अभी गर्मी है ना, तो गर्मी में थोड़ा पहले से भी बना के रखूंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठंडा तो सभी खाते हैं, ऐसे भी खाएंगे तो गर्म कर देंगे, गर्म खाना अगर चाहते हैं तो। मैं एडिटिंग कर रही थी, जो लास्ट मेरा जो वीडियो था उस एडिटिंग करते करते ना और न्यूज भी देख रही थी और मेरी आंख लग गई, देखी ना मेरा मुंह फुला फुला लग रहा है, तो फिर मैं उठ गई जल्दी। तो मैं सोची ना आलू आलू बना के रख देती हूँ, मतलब बना के आलू इसीलिए छील रही थी, आलू वगैरह छील लेती हूँ और फिर कढ़ाई में हमने तेल डाल दिए हैं और इसी में हम डाल देंगे अनियन, इसमें है अनियन और जिंजर गार्लिक, ये सबको हम फ्राई कर लेंगे सबसे पहले। देखिए अनियन जब ट्रांसलूसेंट हो जाए तब हम डाल देंगे इसमें टमाटर और इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। ये जब अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो बहुत अच्छे से भी फ्राई नहीं करना है, मतलब गोल्डन ब्राउन जब हो जाएगा, गोल्डन ब्राउन से भी थोड़ा सा ज़्यादा हम करेंगे, उसे हम थोड़ा ठंडा कर लेंगे, ठंडा करके एक मिक्सी जार में डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे। तो आलू दम बनाने से पहले इस तरह से जिंजर गार्लिक और अनियन और टमाटर ये सब थोड़ा सा पहले से भून के और उसके बाद इसका अगर पेस्ट बनाते हैं ना तो हम मेरे लिए तो वो बहुत टेस्टी होता है। तो मैं जैसे बनाती हूँ और मुझे जो अच्छा लगता है वही रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे, मैं बनाई थी तो मेरे मतलब बहुत लोग तारीफ भी किए थे एक बार बनाई थी, तो मैं सोची इस बार भी मैं बना देती हूँ, तो मैं वही बना रही हूँ और ये पेस्ट बना लेती हूँ। और फिर आलू मेरा बॉइल हो गया है कुकर में रख दी थी, फिर आलू फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद मैं इसे रेसिपी शेयर करूँगी। ये सारे हमने मिक्सी में डाल दिए, इसी में हम डाल देंगे 10-12 काजू, काजू का हम भून लेते हैं, काजू को भी इसी में डाल के हम पेस्ट बना लेंगे।
आलू दम में काजू डालने से ना काजू का जो पेस्ट होता है उसमें बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं आलू दम में हमेशा काजू डालती हूँ। इसका मैं पेस्ट बना लेती हूँ, एक थोड़ा सा पानी देना पड़ेगा लग रहा है। देखिए कढ़ाई मेरा फुल गरम हो गया है, तेल दे दिए, इसमें डाल देंगे हम जीरा और इसी में हम एक चुटकी नमक और हल्दी डालेंगे। नमक और हल्दी डालने से ना ये जब हम मसाले डालेंगे तो बहुत ज्यादा तेल जो छिड़कता है वो कम छिड़कता है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं छिड़कता तो है लेकिन थोड़ा कम छिड़केगा। अब हम इसी में जो मसाले पेस्ट किया था वो हम डाल देंगे। इसी मसाले में हम डाल देंगे टेस्ट अनुसार नमक, हल्दी, मिर्चा पाउडर हाफ टेबल स्पून, जीरा पाउडर और हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर। अब मसाले को हम बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक इससे तेल ना निकल जाए। खीर मैं नहीं बनाऊंगी, मैं बनाऊंगी हलवा, रवा का हलवा बनाऊंगी। इधर मेरा मसाले में ना थोड़ा सा पानी वानी था, उसमें पानी डाल दिए थे तो बहुत ज़्यादा छिड़कने लगा, इसलिए मैं ढक दी हूँ। और इधर मैं रवा को फ्राई कर रही हूँ, रवा का हलवा बनाऊंगी। ऐसे बहुत दिनों से रवा का हलवा खाए भी नहीं थे। दम आलू का मसाला मेरा फ्राई हो गया है, तेल छोड़ दिया है। अब इसी में हम डाल देंगे आलू, इसे हम खूब अच्छे से मिला लेंगे। आलू और मसाले मेरा फ्राई हो गया है अच्छा से। अब इसमें हम डाल देंगे गरम पानी, हम आलू दम में गरम पानी डालते हैं। आलू ऑलरेडी बॉइल्ड है तो ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा सा और डाल देती हूँ। इसके ऊपर हम डाल देंगे गरम मसाला, इसके
इसके ऊपर हम हाफ टेबल स्पून गरम मसाला डाल देंगे। गरम मसाला मेरा बहुत स्ट्रांग है, ये होममेड है तो बहुत ज्यादा मैं नहीं डालूंगी क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें स्ट्रांग फ्लेवर है एकदम, तो बहुत कम ही डाली हूँ, हाफ टेबल स्पून। इधर हलवा भी मेरा रेडी है। हलवा रेडी, इधर मैं टमाटर का चटनी बना लेती हूँ। टमाटर चटनी बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे कलौंजी, मस्टर्ड ऑयल, इसमें तेज पत्ता वगैरह डालना था बट तेज पत्ता है ही नहीं मेरे पास तो इसलिए हम नहीं डालेंगे, जो है उसी से करना है। और इसमें हम डाल देंगे टमाटर, और इसके ऊपर हम डालेंगे हरी मिर्च, दो ही डालेंगे, ज्यादा मिर्चा नहीं करेंगे क्योंकि बच्चा भी खाएंगे। और इसमें हम डालेंगे नमक, हल्दी पाउडर, बस और कुछ नहीं डालेंगे। जब ये टमाटर गल जाए तब हम इसमें चीनी डालेंगे, इसे अभी हम ढक देते हैं। आलू दम मेरा बन गया है, हम बंद कर दिए हैं, लाइट चली गई इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ क्या है ना, जैसे जमशेदपुर में दो लाइट का कनेक्शन है, एक है जुस्को लाइट और एक है डीवीसी लाइट, तो हम जहाँ रहते हैं तो इन लोग में जुस्को लाइट नहीं है, डीवीसी वाला लाइट है। तो इस वजह से क्या, जब थोड़ा सा बादल गरजता है या हवा चलने लगता है ना तो इन लोग काट देते हैं लाइट को, और जुस्को वाले नहीं काटते हैं। तो ऐसे अभी ना बादल बहुत ज्यादा है बाहर तो इस वजह से लोग काट दिए, अब लाइट है नहीं और मेरे घर में इन्वर्टर जो था वो इन्वर्टर खराब हो गया है, इस वजह से हमें प्रॉब्लम हो रहा है। अब हमने कढ़ाई रख दिए हैं, इसमें हम जो दाल है ना वो दाल हम तैयार कर लेते हैं। पता नहीं दिख रहा है क्या, नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चना दाल डाल दी हूं मैं, सॉरी तेल गरम के लिए रखे हैं, लाइट चली गई ना तो मेरा माथा एकदम खराब हो गया है। इसमें हम डाल देंगे खड़ा जीरा, पता नहीं दिख रहा है क्या, और डालेंगे हींग,
जीरा मेरा फ्राई हो गया है। अब इसमें हम अदरक और लहसुन कूट के कूट लिए हैं, इसमें अदरक लहसुन डाल देंगे। पता नहीं आपको दिख रहा है क्या, नहीं मुझे नहीं मालूम। और इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये जब अच्छा से फ्राई हो जाए ना, अभी अच्छा से फ्राई हो गया है, इसमें हम डाल देंगे चना दाल। इसमें हम बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे दो। बोले थे ना बच्चा भी खाएंगे, इसलिए हम इसमें ज्यादा मिर्चा नहीं डालेंगे, कम ही डालेंगे बच्चे की वजह से। और इसमें हम डालेंगे नमक। हल्दी पाउडर, नमक और हल्दी पाउडर डालेंगे। और हम इसमें डालेंगे हाफ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला मेरा बहुत स्ट्रांग है, इसलिए मैंने ज्यादा ही डाल दिए है, बाकी इसमें कोई और कुछ नहीं डाले हैं। गरम मसाले फ्लेवर बहुत अच्छा हुआ है इस बार, तो बहुत अच्छा से ये अच्छा फ्लेवर आएगा। इसे एकदम ड्राई कर लेना है। टमाटर एकदम बॉईल हो गया है, अब हम इसमें डाल देंगे शक्कर। अपने ऊपर है, शक्कर आपको जैसे मीठा पसंद है ऐसे ही आप डाल सकते हैं। शक्कर डालने के बाद ना थोड़ा सा ये पानी पानी हो जाता है। बाप रे इतना हवा चल रही है ना, मेरा घर में सब धाम धाम गिर रहा है, पता नहीं क्या गिर रहा है। चारों तरफ तो बंदी है, मैं एक बार देख के आती हूँ। बाहर ना बारिश बहुत हो रहा है, बहुत ही ज्यादा बारिश हो रहा है। बिजली कड़क रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ अभी कड़केगा। देखिए ये देखिए, आवाज तो आ रहा है क्या नहीं मालूम, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है। ये देखिए, बहुत बिजली कड़क रहा है। इतना अच्छा लगता है ना देखने में जब बिजली कड़कता है तो। हाँ हाँ, कितना ठंडा ठंडा हवा आ रहा है।
ये है आज का हमारा डिनर मेनू, दाल भरकर पूरी या कचौड़ी भी बोल सकते हैं। ये बहुत अच्छा बना है। और है टमाटर का मीठी चटनी, दम आलू और सूजी का ड्राई हलवा। ये था आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग। आई होप गाइस मेरा ये छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे। अगर मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।